गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत। और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अतिका रहती है वो ईरा के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, बट हमेशा से ऐसा हो जाता है कि ईरा टाइम नहीं दे पाती है। पर इस ड्यूरेशन में टाइम न देने के साथ एक नई चीज़ होती है जिसमें अतिका को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। अब जो ईरा रहती है रही, वो अब उन दोनों के बीच में बात कम, आरव का ज़्यादा टॉपिक लेके बात करना स्टार्ट कर देती थी। तो अतिका कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हर्ट हो रहा था कि यार हम दोनों के बीच में अब आरव आ चुका है, जिसके लिए अतिका खुद चाहती थी कि वो अपने आरव के साथ कंफर्टेबल हो। पर उन दोनों के बीच में अगर वो आ जाए तो वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी, इसलिए वो अपने मन को डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे साइड पे चली जाती है। और उसके बाद वो अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करती है, वो सब होता है, फिर वो सेमिनार में जाती है, सेमिनार में जहाँ पर वो शनाया के साथ जाती है, और उसे वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है जो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा चिपकने वाली रहती है। तभी वहाँ पर शनाया आ जाती है। अब उसके आगे तभी उसके एक्स गर्लफ्रेंड कहते हैं, वो सॉरी, वो मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मीन्स ये सारी चीज़ें देखकर, तो मुझे अच्छे से तो जानती हो अतिका। अतिका कम ऑन बेबी, हम दोनों ने कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, कितने टाइम से हम एक दूसरे के साथ हैं, हम क्लोज थे और हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एंड आई नो यू स्टिल लव मी। देखो ना बेबी, हमारी आँखों में देखो ना, तुम्हें वही प्यार दिखेगा। अतिका यू लव मी ना बेबी, जस्ट कम इट, यू लव मी ना, बोलो ना। और ऐसे बोलते हुए वो अपना एक हाथ उसके गाल पे रखती है और दूसरा हाथ से उसकी कमर को टच करने के लिए बोल रही रहती है। शनाया का यहाँ पर तो खून खौल उठता है ये सब देखते हुए, और अतिका तो जैसे हिप्नोटाइज हो जाते हैं ना, उस समय के लिए वो हिप्नोटाइज हो जाती है। और तभी उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो फिर बोले जाती है, बोलो ना अतिका, एवरीथिंग इज नॉर्मल बिटवीन अस ना, यू नो ना बेबी हाउ मच आई लव यू, यू एंड मी आर द कम्प्लीट कपल। हम जब भी साथ में थे हम हमेशा से एक नई एहसास लेकर आते थे। बस तुम्हें पता है ना मेरी एक ही तो प्रॉब्लम है, जब मैं किसी चीज़ के लिए डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैं उसे ओवरकम होने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मैं स्पेस में चली जाती हूँ। दैट टाइम आई ऑलरेडी नीड अ स्पेस, तो बस यही हुआ, मुझे स्पेस की ज़रूरत पड़ गई थी। बेबी प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव यू, आई मैडली लव यू। और क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? क्या हम वापस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं क्या? मैं तुम्हें काफ़ी खुश रखूँगी, मैं बहुत अच्छे से रखूँगी। तभी अतिका कहती है, आई ऑल्सो केयर फॉर यू। मैं अभी बहुत टाइम हो चुका है, मैं फिर भी तुम्हारी चीज़ को भूल नहीं पाई हूँ। जैसे ही शनाया को यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर तो मतलब अब तो ये तो मतलब अतिका तो पूरी बहने वाली है, तभी शनाया वहाँ पर आके मिलती है। हे बेबी, व्हाट आर यू टेलिंग, यू मिस हर? यस ऑफ कोर्स यू मिस हर, बिकॉज आप उसको मिस क्यों नहीं करोगे? क्योंकि जो इंसान आपके बुरे वक्त पर आपको छोड़ के चला गया, उसे तो मिस करना ही चाहिए, ताकि आगे जाके कोई आपको उस तरीके से हर्ट ना करे। हमेशा से उस इंसान को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको हर्ट करे। लाइफ में अच्छे लोगों को याद रखो ना रखो, बट बुरे लोगों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो या यू रिमेम्बर हर ऑल द टाइम, यू मिस हर, यू जस्ट ऑल द टाइम से हाउ मच यू हेट हर, टेल हर ना कि आप कितना हेट करते हो उसे, है ना? प्यार, वो हेट वाला प्यार, लव एंड हेट वाला प्यार करते हो आप उससे। तभी वहाँ पर जो वो एक्स गर्लफ्रेंड रहती है वो एकदम से कहती है, हु आर यू, और तुम हम दोनों के बीच में इंटरफेयर क्यों कर रही हो? बेबी यू नो ना हाउ मच आई लव यू, कुछ कह रही थी आप कह रही थी ना दैट यू लव मी। तभी शनाया जो होती है वो एकदम से अतिका की कमर पे हाथ डालती है, उसे अपनी ओर खींच के बोलती है, टेल हर दैट वी आर इन रिलेशनशिप, बताओ उसे कि आप रिलेशनशिप में हो मेरे साथ। एंड जब आप मेरे साथ रिलेशनशिप में हो, हाउ कुड यू लव हर अगेन?
ठीक है ना, जब आप इससे ओवरकम हुए हो तभी तो आप मेरे साथ रिलेशन में हो। आपको बताया ना चाहिए ना उसे। देखो, किसी को भी झूठी होप देना बहुत गलत बात है। दिस इज अनफेयर अर्पिका, टेल हर हाउ मच यू लव मी बेबी। और ऐसे बोलकर वो उसके और करीब आकर उसके जो कमर होती है उसे बार बार टाइटली पकड़े जा रही रहती है। पर जो ये एक्स गर्लफ्रेंड रहती है वो काफ़ी डीट रहती है। उसे पता रहता है कि अर्पिका अभी भी उसी के फ्लो में है और ये उसे उसे अपने से खींचने की कोशिश कर रही है। तभी वो एकदम से बोलती है, अर्पिका लिसन टू मी बेबी, कम लिसन टू मी। और ऐसे कह के उसका हाथ दोनों पकड़ लेती है और उसे अपनी क्लोज करती है और थोड़ा सा क्लोज और आ रही रहती है और उसे बोलती है, बेबी कैन आई किस यू, यू नो ना हाउ गुड आई एम किसिंग यू। आप तो जानती हैं मैं किस करने में कितनी अच्छी हूँ, मुझे किस करने दो ना। हाउ मच यू लाइक इट व्हेन आई किस यू डीपली। वो फ्रेंच किस बोलूँ या फिर स्मूचिंग बोलूँ, यू नो ना। अर्पिका तो उस समय मतलब एक बोलते ना हिप्नोटाइज वो हो चुकी रहती है, वो अपनी अलग ही जोन में रहती है। तो वहाँ से वो जो लड़की रहती है, वो जो एक्स गर्लफ्रेंड रहती है, वो एकदम से आगे जाती है और उसके लिप पे किस करने की कोशिश ही कर रही रहती है। तभी शनाया को एकदम से अजीब सा लगता है और जेलसी तो शनाया को रहती है, तो शनाया उसे खींचती है अर्पिका को अपनी तरफ और क्योंकि वो कमर से उसे पकड़ी रहती है तो कमर से एकदम उसको टाइटली टर्न कर देती है और अपना दूसरे हाथ से अर्पिका के गालों में हाथ डाल के उसके लिप पे किस कर देती है और बहुत टाइटली शनाया किस कर रही रहती है। शनाया काफ़ी डीपली उसे किस कर रही रहती है। अर्पिका तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है, उसकी आंखें फटी हो जाती है कि व्हाट द हेल, शनाया ने क्या कर दिया। फिर अर्पिका से वो अर्पिका जो होती है उसे थोड़ा सा दूर करने की कोशिश कर रही रहती है पर शनाया और डीपली पकड़ के उसे और किस कर रही रहती है और इनडायरेक्टली वो बताना चाहती है हमारी एक्स गर्लफ्रेंड को कि भाई हो क्या तुम्हारा। फिर थोड़ी देर में वो थोड़ा सा दूर, मतलब अर्पिका थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, वो दूर करती है शनाया को। और तभी जो हमारी दूर होने के बाद जो शनाया होती है वो उसे हक कर लेती है और धीरे से कान में कहती है, आई नो आई क्रॉस माई लिमिट, मुझे मार लेना बाद में पर अभी शांत रहो, ठीक है। ऐसे बोलती है। अर्पिका टर्न होती है और अर्पिका एकदम से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखती है और एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस पे होती है, दूर होती है और टर्न होकर जाने लगती है। और तभी वो थोड़ा सा आगे जाकर देखती है कि वो एक एक हैंडसम से लड़के को हग कर रही है और उसे जाके लिप किस कर रही है। तो यहाँ पर जो शनाया रहती है वो भी देख के शॉक हो जाती है। तभी शनाया कहती है, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अभी तक तुमसे प्यार करती थी, अब तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड दूसरे से जाके प्यार कर रही है, किसी और को किस कर रही है। आई मीन टेल मी व्हाट व्हाट काइंड ऑफ योर एक्स गर्लफ्रेंड इज दैट। तो अर्पिका कहती है, मैं शॉक्ड हूँ एक्चुअली कि ये क्या चल रहा था, तो ये मेरे पास क्यों आई थी। तभी शनाया कहती है, ऑफ कोर्स नाउ यू आर कैपेबल, यू आर एवरीथिंग इज गुड टू टू डेट यू, इट्स नाइस थिंग, बट आप में अकल ही कहाँ है। वो तो आपको फिर से उल्लू बनाने आ रही थी, पता नहीं पहले भी आपके साथ किस चीज़ के लिए थी, अभी भी कुछ चीज़ देख ली थी। आप तो अपना दिमाग ही खो चुके थे। एंड कैसे हिप्नोटाइज होके उसके ऐसे आके पीछे वो कुछ भी बोले जा रही है एंड यू जस्ट लिसनिंग आउट, आपका दिमाग तो ठीक था ना। तो अर्पिका कहती है, पता नहीं यार, जब भी वो सामने रहती है मैं ऐसी हो जाती हूँ, मैं अपना पूरा सेंस भूल जाती हूँ और ये कॉलेज टाइम से मेरे साथ ऐसे ही करती थी, बट ये किस तरीके से क्यों करती है मेरे साथ। कहती हो, कम ऑन, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, ओके, यू आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अरे आपको तो पता होना चाहिए ना कि शी वॉज अ यूजिंग यू फॉर मनी पर्पज, फॉर एनी थिंग, वॉट एनी थिंग, एंड आप ना किसी पागलों की तरह बस बाहर जा रहे हो। वेल, अब आपका ये सब बहाना हो चुका होगा तो यहाँ से टर्न होके चलो। टर्न होके वो एकदम से अर्पिका का हाथ लेती है और वहाँ से लेकर उसके जाने लगती है
और जाकर वहाँ बिठा देती है और दोनों बैठ जाते हैं। तभी अद्विका जब ये सारे जोन से हटती है, वो एकदम से शनाया की तरफ देखती है, वो सेमिनार में फोकस कर रही रहती है, वो सेमिनार कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो अद्विका रहती है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को देखती है, तो एक्स गर्लफ्रेंड उसकी तरफ एक नज़र तक नहीं डालती है, एंड शी वॉज अ बिजी विथ हर बॉय। तो अब उसके दिमाग में अद्विका क्या आ गया था, हु इज़ दैट बॉय। तो तभी वहाँ से इन लोगों का एक कॉमन फ्रेंड जो रहता है, जो अद्विका प्लस वो एक्स गर्लफ्रेंड का कॉमन फ्रेंड रहता है, और वो वहाँ से जा रहा रहता है। तभी वो एकदम से उसका हाथ पकड़ के बोलती है, हे हे डूड कहाँ जा रहे हो, भूल गए क्या मुझे? तभी वो कहता, ओ शिट यार अद्विका, तुझे कैसे कोई भूल सकता है, एंड आई वॉज बिजी ऑन माई जोन। क्योंकि ये पूरा डॉक्टर्स का सेमिनार है ना, तो यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट एवरी वन इज केम, सो मैं थोड़ा सा अपने ही जोन में था, बट दिस सेमिनार इज ऑसम। तो कहती, यस ऑसम, तू बता क्या कर रहा है यार? मैं तो डेंटिस्ट बन चुका हूँ, तुझे तो पता ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे डेंटिस्ट का भी सेमिनार था तो इसलिए आया था। तो ये जो सेमिनार रहता है, इसमें ना अलग अलग पार्टीशंस रहते हैं, जैसे डेंटिस्ट का अलग सेमिनार होता है, इन सब चीज़ों का अलग सेमिनार होता है, और मतलब एक बड़े से बिल्डिंग में बहुत सारे सेमिनार चल रहे रहते हैं, और वो पूरे डॉक्टर्स के रिलेटेड रहते हैं, किसी के रेडियोलॉजिस्ट के रहते हैं, किसी के डेंटिस्ट के रहते हैं, किसी का क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रहता है, किसी का कार्डियोलॉजिस्ट होता है, तो कोई गायनोकोलॉजिस्ट होता है, कोई न्यूरोलॉजिस्ट होता है, सब अलग अलग डॉक्टर्स के सबके सेमिनार चल रहे थे। बट रिफ्रेशमेंट एरिया एक ऐसा टाइम था कि जहाँ पर सबके सब आकर एक यूनाइट होकर कर रहे थे, तो ये लोग रिफ्रेशमेंट के ही उधर साइड में जाकर बैठ के कुछ खा रहे रहते हैं, जिसमें जो सेमिनार में जो हमारी ये शनाया रहती है वो नोट्स लिख रही रहती है, वो कुछ भूल जाती है, तो वो उसी को ध्यान से सुनते हुए लिख रही थी, क्योंकि वो रिफ्रेशमेंट में ते टाइम पे उसने जो अपना क्या बोलते हैं उसे रिकॉर्डिंग ऑन करी थी, वो उसी के कुछ नोट्स बना रही रहती है, कुछ खाती नहीं। तभी उसे वहाँ पे वो डूड मिलता है, और उस डूड का नाम रहता है सूरज नाम रहता है। तो तभी वो सूरज से पूछता है कि तभी वो पूछती है सूरज टेल मी यहाँ पे कैसे सब कुछ, एंड वो उस वो ध्यान से देख रहे हो, तो सूरज जो होता है वो साइड से टर्न होता है, और टर्न आके बोलता है कि हाँ आशिका के बारे में पूछ रही हो तुम लगता है। तो कहते हैं कि हाँ आशिका के साथ वो लड़का कौन है, तो कहते यार ज़्यादा तक तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन आशिका एंड यू आर जस्ट गाइस डेटिंग ईच अदर जहाँ तक मुझे पता था। नो आई एम नॉट अ होमोफोबिक यार, ऑफ कोर्स हम डॉक्टर्स हैं, हम लोग होमोफोबिक कैसे हो सकते हैं। तो कहते थैंक यू डूड, बट मुझे पता नहीं आशिका वॉज। तो कहते हैं कि आशिका एक्चुअली डेटिंग दैट रिच मैन जो एक्चुअली ओनर है डॉक्टर्स का, आई मीन ये रेडियोलॉजिस्ट तो है, ये रेडियोलॉजिस्ट है मतलब जिसका ये पूरी जो लैबोरेटरीज होती है, जैसे कि अभी वो नहीं हुआ है क्या कि मतलब एक सेंटर ऑफ लैबोरेटरी होती है जिसके सारे के सारे ब्रांचेस रहती है हर जगह, ये उसका ओनर है, और लैबोरेटरीज में मीन्स ही इज़ वेरी गुड ऑन दैट। तो कहती है अच्छा, तो उसे डेट कर रही है, और काफ़ी टाइम हो गया है, आई मीन आफ्टर द ब्रेकिंग अप विथ यू शी इज डेटिंग, वो तेरा तो एक्सीडेंट हो गया था एंड यू लॉस्ट योर लेग, अभी तो रिकवर हो गया है ना, मतलब तो वो तब से डेट कर रही है, आई मीन। तो तभी एकदम से अजिका कहती है 2.5 ईयर्स। तो कहते हैं कि हाँ बट यार यू डिजर्व अ समवन बेटर, एंड बाय द वे यू हैविंग अ वेरी नाइस गर्लफ्रेंड जो तुझे इतने अच्छे से रखती है। तो वो कहती है अरे वो मेरी गर्लफ्रेंड। तभी वहाँ से वो जो अद्विका के पास से जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड गुजर रही रहती है आशिका, तभी वो कहती है हाँ मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी है। तो कहती है या तभी तो मैं बोल रहा हूँ तेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी अच्छी है, देख कितना मगन लगा कर मीन्स कर रही है। तो यार जब तेरे पास अच्छी गर्लफ्रेंड है तो क्या करना, देखो वो आशिका क्या करे क्या नहीं करे छोड़ना, जाने दे उसे कहीं पर भी जाए, देखो वो ऐसी लड़कियां ना कभी किसी की नहीं होती हैं, जब तक मन ही जहाँ दिख रहा है ना वो वहीं की होंगी, तो जस्ट लेट इट बी। तभी वो कहती है कि ओके फाइन लेट इट बी, ऐसे कह के जो हमारी अद्विका होती है वो भी सूरज को जाने देती है। थोड़ी देर के बाद जो आशिका जो हमारी आशिका होती है वो भी वहाँ से चली जाती है।
यहाँ पर जो हमारी अधिका होती है वो एकदम से शनाया की तरफ देख रही रहती है, और सबको लगता है कि शनाया एंड दे आर द कमिटेड, बट एक्चुअली द अधिका इज अ कमिटेड विद ईरा। तो वो उसे इसी तरीके से देख रही रहती है। फिर तभी शनाया कहती है, व्हाट हैपेंड, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तो वो कहती है, क्योंकि एक सवाल था मेरा जिसका जवाब मुझे चाहिए, अद्विका कहती है। तभी शनाया कहती है, हाँ हाँ पूछो। तो कहती है, तुमने मुझसे बिना पूछे मुझे किस किया? तभी शनाया अपने बालों में हाथ डालते हुए कहती है, आई एम सॉरी, बट मैं आपको किसी भी गलत हाथों में नहीं देख सकती। जिस तरीके से आप एकदम से, मतलब क्या ही बोलूं, पूरा हिप्नोटाइज होते हुए उस लड़की के पास जा रही थी, वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा था कि यार, व्हाट हैपन टू ईरा मैम? अगर आप अपने एक्स गर्लफ्रेंड के पास चली गई तो ईरा मैम का क्या होगा? मेरे ख्याल से अगर ईरा मैम यहाँ पर होती तो वो भी डेफिनेटली यही करती। वो भी नहीं चाहती कि उनकी गर्लफ्रेंड किसी और के पास जाए। तो आपकी ईरा मैम नहीं थी यहाँ पर, सो दैट्स वाई मैंने उनके बिहाफ में ये काम कर दिया। हालांकि ये चीज़, ये भी जो मेरा स्टेटमेंट है, ये मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि मैं आपको किस कर सकूं। दैट्स कम्प्लीटली एग्री, पर क्या करूँ, उस समय किसकी डिमांड ज़्यादा ज़रूरी थी? आई थिंक मुझे किस करना पड़ा, क्योंकि वो आपको किस करने आ रही थी, एंड आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आपको किस करे ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। सॉरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो अद्विका कहती है, नेक्स्ट टाइम होना भी नहीं चाहिए, यू नो आई एम ना कमिटेड। तो कहती है, आई नो, बट ईरा मैम होती तो वो भी यही करती। मैंने ईरा मैम का काम कर दिया, ओके? तो यार, ईरा मैम शुड बी थैंक यू टू मी एंड यू ऑल्सो, ताकि आप उस पागल लड़की के पीछे फिर से ना जाओ, ठीक है? वेल, मैं थोड़े से नोट्स बना लूँ अगर आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया हो तो। तभी जो हमारी शनाया रहती है वो काम करना स्टार्ट कर देती है। अतिका उसकी तरफ देखती है और बोलती है, क्या ही करूँ मैं इस लड़की का। फिर वो कुछ नहीं बोलती है। सेमिनार, मतलब फिर वो उसे बोलती है अद्विका कि यहाँ सेमिनार रिफ्रेशमेंट है, तुम्हें कुछ खाना है? वो कहती है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं खाना है, हमें अंदर चलना चाहिए, सेमिनार स्टार्ट हो गया होगा। तो फिर ये लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाकर अपना पूरा मतलब इन सब चीज़ों में लग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो हमारी अद्विका और शनाया जो होते हैं, ये दोनों कार में बैठते और जाने के तैयार होते हैं। दूसरी तरफ जो हमारी ईरा रहती है वो काम कर करके थक जाती है। वो तो सौरभ को बोलती है, मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ये सारे काम कर करके। तभी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें जो मैनेजर होता है वो आके इन दोनों को काफ़ी बुरे तरीके से शाउट करता है और बहुत गलतियाँ निकालता है और डांटता रहता है। तभी वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, और उसी ड्यूरेशन में आरफ का कॉल आ जाता है ईरा को। तो ईरा अपना जो रोना रहता है वो रो रही रहती है कि मुझे ऐसे, तो उन्होंने बोला। तभी जो आरफ रहता है वो कहता है कि सुनो, अगर अपना काम कितना भी परफेक्टली करोगी तो भी सामने वाले को गलती निकालना उसका काम है, वो मैनेजर है, उसे अपना ईगो सेटिस्फेक्शन या अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी वाला या अपने आप को सबसे ज़्यादा सुप्रीम बताने की उसकी आदत है। इसलिए तुम काम को पूरा थोड़ा सा सही करो और थोड़ा सा सिली मिस्टेक करो, ताकि सिली मिस्टेक उसके आंखों में एक चीज़ दिख जाए और वो बोले कि तुम इतनी सी गलतियाँ करती हो, और उसको 5 मिनट में सही करो और अपनी कोडिंग को अच्छे से दिखा दो, ताकि वो सेटिस्फाइड भी हो जाए और तुम्हारी जो बिग गलतियाँ या तुम्हारा टाइम वेस्ट भी ना करे। क्योंकि वो क्या है, फालतू का तुम्हें, तुम्हारी गलती भी नहीं होगी तभी वो तुम्हारी गलती निकाल लेगा और तुम्हें दोबारा बनाने के लिए कहेगा, जबकि तुम कहोगे यार मैंने तो सही बनाया था। तो इसलिए सामने वाले अगर ईगो सेटिस्फाई करना हो तो अब खुद होके उसको अपनी गलती बता दो, और तो ताकि वो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, उसके बाद वो शांत हो जाएगा, उसे बस वो मौका चाहिए रहता है। तो अगर तुम परफेक्ट काम करोगे तो उसे मौका नहीं मिलता, इसलिए वो और तुम्हें टॉर्चर करने की कोशिश करेगा, तो थोड़ी सी गलती दे दो। तो इस तरीके से जो आरफ होता है वो काफ़ी अच्छे से ईरा को समझाने लगता है। ईरा कहती है, ठीक है मैं ये काम करके देख लेती हूँ, और आरफ कहता है, ऑल द बेस्ट बेबी, तुम कर लोगी ये सब चीज़ें, और ये बोल के वो फ़ोन रख देता है। ईरा वैसे ही करती है, पहले वो पूरा का पूरा सही करती है, फिर उसके बाद एक सिली मिस्टेक कर देती है और जाकर अपने ही बताती है। थोड़ी
थोड़ी देर के बाद वो बोलता है, ये देखो तुम्हारी ये क्या गलती है। तभी वो जाके उस अपने बॉस को बोलती, सर आप कितनी इंटेलिजेंट हो, और पैम्पर करने लग जाती है। वो बोलती कि सर मेरे को जस्ट थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं जल्दी में सही करके आती हूँ, और फिर जाके वो कोडिंग चला देती है। उस तरीके से क्या होता है कि बॉस भी सेटिस्फाइड हो जाता है और ईरा का भी काम होने लगता है। और जो सौरभ रहता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा रहता है। सौरभ बोलता है, यार तेरे हस्बैंड ने, आरफ ने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। तो कहती है कि हाँ, पता है जिस तरीके से वो घर पे मुझे प्रोटेक्ट करता है, वो इस तरीके से ना मुझे यहाँ पे भी ऑफिस में भी प्रोटेक्ट कर रहा है। ही इज़ वेरी वेरी नाइस गाय। मुझे ऐसा लगता था कि ही इज़ नॉट अ नाइस गाय, हमेशा से सिर्फ अपना ही देखता है, बट यार ऐसा नहीं है यार, वो सबका देखता है। ही इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग। तभी वहाँ से सौरभ बोलता है कि हाँ सही बात है, और ऐसे बोलकर वो वहाँ से अपना काम पे लग जाता है। दूसरी तरफ वहाँ पर ये लोग अपने काम पे लगे रहते हैं, 6 मतलब शाम के 6 बज जाते हैं उसी वक्त तक, और 6 बजे तक इनका सेमिनार भी चलता है, 6 से 6:30 होता है। तभी जो ये लोग कार में बैठ के जा रहे रहते हैं, एक साइड में ये लोग एक कोने में रुकते हैं। तभी जहाँ पर अधिका उसे बोलती है कि आइसक्रीम खाओगी, तो हाँ वहाँ पे शनाया कहती है, आप ईरा मैम के लिए ले रहे हो? तो वो कहती है, नहीं नहीं ईरा के लिए नहीं, तुम खाओगी। तो वो कहती है, बट मुझे क्यों खिलाना है मैम, मीन्स व्हाट वाज द रीज़न? तो वो कहती है कि मुझे मेरी एक्स से बचाने के लिए आइसक्रीम खाते हैं, मेरे ख्याल से इससे बड़ा रीज़न कुछ नहीं है। तो वो कहती है, ओके कम ऑन मैम, मैं खा लूँगी, कोई इशू नहीं है। तो कहती है, गो थैंक गॉड तुमने कहा तुम खा लोगी। फिर ऐसे कह के वो दोनों वहाँ से कार से उतरते हैं और जाते हैं आराम से, वहाँ जाके आइसक्रीम्स खा रहे रहते हैं और वहाँ पर बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पर वो टर्न होते हैं, तो वो एक कपल जो होता है वो लड़ रहा रहता है, काफ़ी ज़्यादा लड़ रहा रहता है, बहुत ज़्यादा वो दोनों एक दूसरे को लड़ रहे रहते हैं। क्योंकि जो लड़का रहता है वो उस लड़की को चिल्ला रहा रहता है कि तू ना मेरे साथ रहकर तू उस लड़के का फ़ोन क्यों पिकअप कर रही है, जब मैं तुझे बाहर लेकर आया हूँ तो तू मेरे साथ खाना खा, तू मेरे साथ चिल आउट कर, तू उसके साथ फ़ोन पे क्यों बात कर रही है। तभी लड़की कहती है कि तुम मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो, और सुनो दूसरी चीज़, हम सिचुएशनशिप में हैं ना कि रिलेशनशिप में, तो तुम मुझ पे ये कंडीशंस नहीं लगा सकते हो, और ये बात तुम्हें पहले से ही पता थी। और अब मेरे पापा बनने की कोशिश मत करो, और ना मेरे पति बनने की कोशिश करो, तुम्हें कोई भी हक नहीं है, सब कुछ पता होने के बाद अब तुम मेरे सर पे चढ़ के नाचो मत। यहाँ पे लड़की इस तरीके से बोल रही रहती है, लड़का इस तरीके से बोल, जो शनाया और जो अत्रिका रहते हैं वो दोनों ये बातें सुन रहे रहते हैं, सिचुएशनशिप सिचुएशनशिप होती है। तभी वहाँ से एकदम से अत्रिका उठती है, अपनी आइसक्रीम्स को रखती है और एकदम से बोलती, कूल डाउन टीनेजर्स, कूल डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, और अच्छी खासी डेट पर आए हो तो ऐसे लड़ रहे हो, और वो 18 साल के बच्चे रहते हैं। तभी वो कहता है, लिसन मैम ये हमारा पर्सनल मैटर है, हम देख लेंगे। तभी वो वहाँ से वो लड़की कहती, नो नो मैम पर्सनल मैटर कुछ नहीं है, ये लड़का ये फालतू का मुझ पर लड़ रहा है, हम सिचुएशनशिप में हैं तो ये मेरे सर पे चढ़ के नाच क्यों रहा है। तभी अधिका कहती है, क्या बोला आपने, सिचुएशनशिप ये क्या होता है? तो वो कहती है कि मैम जैसे एक एक रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स होती है कि हम तो दोनों एक दूसरे के लिए ये करेंगे, ये मेरे से शादी करेगा, मैं इससे शादी करूंगी, और हम लाइफ टाइम तक साथ में रहेंगे, और ये सब चीज़ें होंगी। शनाया भी थोड़ी देर में वहां से देख रही रहती है, वो भी उठ के अधिका के पीछे आके खड़ी हो जाती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, वो आइसक्रीम खा रही रहती है, वो आइसक्रीम लेकर आती है। तो यहाँ और हमारी जो अद्रिका होती है उसने अपनी आइसक्रीम खत्म कर चुकी रहती है। तो तभी वहां पे वो लड़की कहती है कि सिचुएशनशिप में हमें कोई कमिटमेंट नहीं देनी रहती, दोनों पार्टनर्स अपने एक दूसरे की रजामंदी से आते, ना वो बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स वाली सारी हरकतें करेंगे, बट कमिटमेंट नहीं देंगे किसी के लिए भी। और वो एक टाइप का ऐसा रहता है कि अगर उनमें से कोई भी रिलेशनशिप को छोड़ के जाना चाहे तो वो अपनी मर्जी से जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई कमिटमेंट ही नहीं था। तो इट्स अ सिचुएशनशिप, तो हम सिचुएशनशिप में हैं, तो ये मेरे पे अब इतने डोरे डाल रहा है कि अब मैं किसी से बात करना चाहूँ तो भी इसको प्रॉब्लम है, ये है। तो हम इतनी इतना ये सब अगर कमिटेड होते हम, या अगर मुझसे शादी करता तो मैं देती ना, अब ये मैं क्यों दूँ? तो वो कहती है, अच्छा सो अभी तुम्हारे साइड से क्या प्रॉब्लम है लड़के की साइड से? लड़का बोलता है, माना कि हम सिचुएशनशिप में हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं खुद एग्री करता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी हुआ था, बट जब मेरे साथ आई है तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करना,
क्यों किसी और लड़के को टाइम देना है, उसके साथ बात करना, ये भी तो गलत है ना भाई। मैं उसके साथ अभी बैठा हूँ, उसे मेरे साथ टाइम देना चाहिए, ये सब चीज़ों पे नहीं देना चाहिए। तभी जो अद्विका होती है वो उस लड़की को बोलती है कि एग्जैक्टली वो तो ये बात सही कह रहा है ना कि तुम उसके साथ आई हो। तो कहती हाँ तो मैं इसको टाइम दे रही हूँ, 5 मिनट अगर मैसेज कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है। तो तभी शनाया जो होती है पीछे से अद्विका के हाथ में टैप, कंधे पे टैप करती है, उसे बोलती है टर्न करती है। तो तभी अद्विका टर्न होती है और बोलती क्या हो गया। तो कहती आपको क्या हो गया है, किसी के पत्ते पे क्यों अड़ना है, वो दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे और एक साथ हो जाएंगे, आप उसमें क्यों इंटरफेयर कर रही हो, इधर चलो मेरे साथ। और ऐसे हाथ पकड़ के वो उसको लेकर जाती। तभी ये अद्विका कहती बट वो मुझे सॉल्व तो करने देते इशू। तो शनाया कहती कुछ सॉल्व नहीं करना है, देखो अभी 5 मिनट यहाँ बैठो, ये दोनों लड़ेंगे झगड़ेंगे, अभी एक दूसरे को हक करेंगे और यहाँ से आराम से निकल जाएंगे, यकीन नहीं होता देखो। तो अद्विका जो होती है वहां बैठी रहती है और वो दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे रहते हैं। पर लड़ने के बाद 5 मिनट के बाद यही होता है, वो एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तो कहती ये क्या था, तो कहती ये ही तो सिचुएशनशिप था, दिस इज एक्चुअली सिचुएशनशिप। ओके अब चलो। तभी अद्विका और शनाया कार में बैठ जाते हैं। तभी अद्विका पूछती है शनाया क्या है ये सिचुएशनशिप, तो वह कहती है जो आपके और ईरा मैम के बीच में है वही तो सिचुएशनशिप है। तो कहती नो वी आर इन रिलेशनशिप। तो एकदम से शनाया कहती है यू थिंक यू आर इन रिलेशनशिप बट दैट रिलेशनशिप इज वर्दी एट ऑल, आई मीन टेल मी कि ऐसा क्या रिलेशनशिप में है आपके, आपके रिलेशनशिप में कमिटमेंट्स हैं, आपके रिलेशनशिप में प्रोमिसेस हैं, आपके रिलेशनशिप में एक कंसिस्टेंसी है, आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर है, आपके रिलेशनशिप में और जो चीज़ें होती हैं जैसे सिक्योरिटी वो है। तो तभी अतिका कहती है नहीं ये सब नहीं है। तो कहती है एग्जैक्टली जब ये सब चीज़ को कॉम्बो ही नहीं है तो वो ऑलरेडी रिलेशनशिप नहीं कहलाता है, वो सिचुएशनशिप कहलाता है। सिचुएशनशिप ऐसा होता है कि जहाँ एक दोनों दो लोग बहुत प्यार करेंगे एक दूसरे से, बेहद प्यार करेंगे, हर एक कंडीशन में प्यार करेंगे, बट कोई कमिटमेंट्स नहीं होगी, कोई सिक्योरिटी नहीं होगी, कोई कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कोई भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। जब दोनों में से कोई जो भी है वो छोड़ के इस रिलेशनशिप से जा सकता है और कोई भी उस इंसान को कमिटमेंट्स उसको एक्सप्लेनेशन भी देने की ज़रूरत नहीं है। बट हालांकि आप दोनों इतने क्लोज हो तो आप दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लेकिन जहाँ पे ईरा मैम है शी इज ऑलरेडी कमिटेड विथ हिज हस्बैंड, सो वो उनका रिलेशनशिप है, लेकिन उसके अलावा आप उनके साथ हो तो वो आपके साथ सिर्फ सिचुएशनशिप में, क्योंकि आपके साथ उनका कोई भी कमिटमेंट्स नहीं है। वो जब तक रहना चाहें वो आपके साथ अपनी खुशी से रह रही हैं, वो अपने लव से रह रही हैं, वो अपने अफेक्शन से रह रही हैं और वो अपनी खुद की मर्जी से रह रही हैं। बट एक टाइम के बाद अगर उनका अपना हस्बैंड के साथ अगर रिलेशन क्लोज हो जाता है तो वो आपको छोड़ देंगी, तो वो आपको हमेशा रहने की उसने कमिटमेंट्स नहीं दिए, इवन आपने भी नहीं दिए। तो जब आप लोग कमिटमेंट लेस हो, सिचुएशन लेस हो, तो उसे सिचुएशन लेस ही कहा जाता है। आई मीन सिक्योरिटी लेस हो तो, जहाँ पे कमिटमेंट लेस हो तो ये सिचुएशन के साथ हो। आज सिचुएशन ऐसी है कि दोनों को एक दूसरे की नीड है तो इसलिए आप एक दूसरे के साथ हो, लेकिन कल जाके आपको किसी और की नीड हुई या फिर ईरा मैम को किसी और की नीड हुई और कोई कमिटमेंट्स तो है नहीं, तो उसे कहा जाएगा सिचुएशनशिप। सो आजकल ट्रेंड सिचुएशनशिप का चल रहा है ना कि कमिटमेंट्स का। सो आई थिंक यू आर इन। अंतिका ये सारी बातें सुनती है और वो कहती है कि ओह माय गॉड ये टाइप का भी होता है। तो कहती है एक्जैक्टली ये टाइप का भी होता है। तो ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि क्या है। तो फिर उसके बाद जो हमारी शनाया होती है वो तो उतर जाती है अपने हॉस्टल के लिए और कहती है बाय मैम थैंक यू और ऐसे करके निकल जाती है। अद्विका यहाँ पर सोच ही रहती है। अद्विका डायरेक्ट जाती है नीचे, मतलब जो ऑफिस रहता है, क्या बोलते हैं, ईरा का ऑफिस रहता है, ईरा के ऑफिस के नीचे जाती है, उससे बात करती है, उससे प्यार से बात कर रही रहती है। तब तब ईरा भी आ चुकी रहती है, उसके साथ बात कर रही रहती है। तभी ईरा बोलती है कि क्या हो गया अधिका,
तो वो कहती है कि कुछ नहीं, अतिका हम रिलेशनशिप में हैं या सिचुएशनशिप में हैं? तो वो कहती है अभी सिचुएशनशिप क्या होती है? अतिका को कि मुंह से ये सवाल सुन के ईरा को भी ये चीज़ पता नहीं रहती है। तो वो उसे बोलती है कि जो उसने शनाया से सुना होता है वो सब कुछ वही चीज़ बताती है। तभी ईरा कहती है पता नहीं, मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि सारे सिम्टम्स तो सिचुएशनशिप के हैं। तो अद्रिका कहती है थैंक यू, तुम्हें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपना जवाब मिल चुका है। और वो दोनों उसी तरीके से बात कर रहे रहते हैं, लेकिन उतनी देर में आरफ आ चुका रहता है। और आरफ आते ही जो ईरा होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और आरफ को एकदम से हक करते हुए बोलती है थैंक यू आरफ, तुमने मुझे जैसा जैसा बताया था जैसा वैसा मैंने किया, एंड थैंक गॉड आज मुझे मेरे बॉस से राहत मिली। थैंक यू, यू आर सच अ सेवियर, अगर तुम नहीं होते ना तो मैं आज पूरी पागल हो चुकी रहती। थैंक यू सो मच। और ये सुनते से ही जो हमारी अतिका होती है उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा रहता है। और तभी अतिका होती है वो कहती है हाय आरफ, तो आरफ बोलता है हाय थैंक यू अतिका फॉर एवरीथिंग बिकॉज तुम अगर ईरा को ऐसे नहीं समझाती। अब यहाँ पे अतिका के दिमाग में आता है मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, अपने आप हो रहा है जो चीज़। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, इन लोगों का रिएक्शन तब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।